मंडप में बैठी थी दुल्हन, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि उठकर खड़ी हो गई दुल्हन, सॉरी बोलता रहा दूल्हा, फिर भी टूट गई शादी। एक छोटी सी बात पर नाराज हुई दुल्हन, गिड़गिड़ाता रहा दूल्हा, वजह जानकर आ जाएगी हंसी, दूर दूर तक हो रही है चर्चा। दहेज की वजह से नहीं, दूल्हे की इस एक गलती से टूटा रिश्ता, जिसने भी जाना सच पकड़ लिया अपना माथा। आपने सुना होगा कि कई बार मंडप में पहुंचने के बाद भी शादियां टूट जाती हैं। ज्यादातर मामलों में दूल्हा पक्ष के द्वारा दहेज को लेकर तू तू मैं शुरू होती है और पल भर में मंडप के बीच शादियां टूट जाती हैं। लेकिन आज जो हम आपको वाकया बताने जा रहे हैं वो खबर हैरान करने वाली है, जिसे जानने के बाद हर किसी की हंसी नहीं रुक रही है। लेकिन वाकई में जिस पर ये मामला गुजरा है वो अभी तक परेशान है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को शेयर कर दे ताकि ये हैरान करने वाली मगर सच्ची घटना की जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला बलिया से सामने आई है, जहां बलिया में उमस भरी गर्मी के बीच मंडप में कूलर ही शादी टूटने की वजह बन गया। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक मैरिज हॉल में आए मेहमानों के बीच कूलर के सामने बैठने के लिए नोकझोंक हो गई। इस नोकझोंक की खबर दुल्हन तक पहुंची तो उसने शादी से सीधे इनकार कर दिया। पूरा माजरा जनपद बलिया के नगर पंचायत चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र का है। दूल्हा हुकुम चंद्र जायसवाल ने कहा, हम सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं। केवल लड़की की खूबसूरती पर बिना दहेज की शादी हो रही थी, लेकिन घराती और बराती में थोड़ा सा अनबन हुआ, जिसके बाद अब लड़की शादी करने से साफ इनकार कर रही है। दरअसल शादी की रस्म पूरी ही होने वाली थी, लेकिन इस बीच बाराती आपस में कूलर के हवा को लेकर झगड़ा कर बैठे, जिसका खामियाजा दूल्हे को भुगतना पड़ा। जब शादी के दौरान बैठी दुल्हन को पता चला कि कूलर को लेकर आपस में लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो दुल्हन शादी से बिल्कुल इनकार कर दी। दुल्हन का कहना था कि अभी से झगड़ा शुरू हो गया तो घर जाने पर क्या होगा, ऐसे में ये शादी शुभ नहीं है, मैं नहीं करूंगी। दूल्हे ने दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश की। दूल्हे ने कहा कि शादी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसको बुरा मत मानिए, शादी कर लीजिए, लेकिन दुल्हन को ये शादी बिल्कुल नहीं भा रही थी। देखते ही देखते शादी में कूलर की हवा को लेकर हुआ अनबन बड़े झगड़े में तब्दील हो गया। लोगों को ये लगा कि अब बवाल हो जाएगा, तो उसी में से किसी ने पुलिस को सूचना दी। अंत में पुलिस आई और दोनों पक्षों को थाने में ले गई। चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र प्रशांत चौधरी की माने तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी और शादी टूट गई। अंत में शांति भंग करने के लिए दोनों पक्षों का 151 में चालान कर दिया गया। दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि दुल्हन ने जो कुछ भी किया वो सही है? क्या एक छोटी सी बात पर इस तरह से रिश्ता तोड़ देना ठीक है, या फिर दुल्हन के मन में कुछ और चल रहा था जिसकी वजह से उसने इस शादी से इनकार कर दिया? आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे फेसबुक पेज को फटाफट से फॉलो कर लें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।